लड़ते हैं, हम पांच पांच कोष पहने हुए पांच कोष से आवृत होकर प्रियतम से मिले, तो ये क्या मिला है, ये कोई वास्तविक मिलना था। इसलिए सहसा सना शयात आशयात हुआ, सहसा सना शयात आसनात आशयाच सहसा उत्तस्थ। आसनात देशकृत व्यवधान दूर करने के लिए तो आसन से उठी, और वस्तुकृत व्यवधान दूर करने के लिए आशय उपलक्षित पंचकोश कंचुक से, आशय उपलक्षित आशय अंतकरण, आशय कहते अंतकरण को, तो अंतकरण से उपलक्षित पंचकोश कंचुकियों से, जैसे स्त्री कंचुकी पहनती है तैसे पंचकोश रूप कंचुक से पृथक होकर, अर्थात ठीक ठीक वो ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा रूप जो शुद्ध रूप है, शुद्ध अपने पंचकोशातीत शुद्ध रूप से शुद्ध पर ब्रह्म कृष्ण से मिली, शुद्ध पंचकोशातीत रूप से शुद्ध पर ब्रह्म रूप कृष्ण से मिली, अर्थात देश कृत व्यवधान दूर करके, काल कृत व्यवधान दूर करके पूर्ण रूप से प्रियतम प्राणधन श्री कृष्ण चंद्र परमानंद कंद से मिली। ये वहां का सम्मिलन। तो क्या है सम्मिलन, हमने और भी हमने बार बार कहा है, उन बातों पर ध्यान दो। हमने कहा है कि तन है, सब मिलनों में व्यवधान है, लेकिन तरंग और जल का जो मिलन है उसमें क्या व्यवधान है, जल और तरंग का जो मिलन है उसमें क्या व्यवधान, कुंचन मात्र भी व्यवधान में, तरंग के कण कण में जल भरपूर। नंददास जी कहते तरंगन बारी ज्यों, तरंगों में जैसे बाहर भरपूर है, तरंग में लहर में, लहर में जैसे बाहर जल भरपूर है, ऐसे गोपांगनाओं के अंतकरण में, अंतरात्मा में, प्राणों में, रोम रोम में श्री कृष्ण चंद्र परमानंद कंद भरपूर है। ये रमण है इनका, इनका ये संभोग प्राकृत पाशविक संभोग, पशु संभोग, कुत्ते घोड़े गधे का जो संभोग है वो संभोग यहाँ नहीं, पाशविक संभोग नहीं, यहाँ ये शुद्ध संभोग है जो तरंग में जल का संभोग है, तरंग के अणु अणु में, कण कण में, परमाणु परमाणु में जल भरपूर है, तरंग का कोई कण ऐसा नहीं जो जल से शून्य हो। ऐसे गोपांगनाओं का अंतकरण, अंतरात्मा, प्राण, रोम रोम, कोई अंश ऐसा नहीं जिसमें परात पर ब्रह्म पूर्णतम पुरुषोत्तम कृष्ण भरपूर न। अब बोलिए ये संभोग, ये सूरत क्या इसमें संकोच, बड़े डंके की चोट पर सूरत का हम वर्णन करते हैं, क्या गड़बड़ इस तरह से। इसीलिए इस चीज को गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, सीता और राम कौन है, बस वही गिरा अर्थ जल बीच जिमी कहियत भिन्नन भिन्न, बंद हूं सीता राम पद जिन ही परम प्रिय खिन्न। गिरा अर्थ का जैसे कौन संबंध होता है, वैयाकरण कहता है तादात्म्य संबंध होता है, गिरा और अर्थ का, शब्द का और अर्थ का क्या संबंध, तादात्म्य संबंध, अभेद संबंध। भागर्थाव्यो संप्रक्त भागर्थ प्रतिपत्ते जगत पितरऊ बंदे पार्वती परमेश, ऐसा सार्वभौम सिद्धांत है कि कोई आनाकानी कर ही नहीं सकता इसके माने। कालिदास वर्णन कर गए भाग अर्थाव्यो संप्रक्त, पार्वती परमेश्वर का क्या संबंध, पार्वती परमेश्वर का क्या संबंध, भाग अर्थाव्यो संप्रक्त, जैसे शब्द और अर्थ, गिरा अर्थ, शब्द और अर्थ का जो अभेद संबंध माने, यहां भी अभेद संबंध क्या इसको भी समझना पड़ेगा। मोटा मोटी तो गिरा रहती है मुख में, अर्थ रहता है बाहर, भेद ही घट शब्द हमारे मुंह में है और घट है धरती पर पड़ा हुआ, भेद ही है, अभेद कहाँ है, नहीं उस बात को समझो। इसलिए मतलब यह है कि गिरा का निदान संबित, वेदांत में संबित जो है बोध, वाक्य पदीय कार्य की दृष्टि से अनादि निधनम ब्रह्म शब्द रूपम जदक्षरम, शब्द तत्वम जदक्षरम वही विवर्त तीर्थ भावेन प्रक्रिया जगतो जता। तो संबित जो है अनंत संबित, संबित कहते ज्ञान को, अनंत ज्ञान, अनंत संबित, अनंत प्रबोध। दुनिया के प्रबोध तो अनित्य होते हैं, घट बोध, पट बोध, जगत बोध, प्रपंच बोध, शब्द बोध अनित्य होता है, परंतु ये नित्य बोध, ये नित्य बोध है, अनाद्यनंत नित्य प्रबोध, वो नित्य संबित अखंड बोध। और इसी तरह से अनंत सत्ता, भगवान के रूप क्या है, सच्चिदानंद, सत माने अत्यंत अबाध्य सत्ता, चित माने अत्यंत अखंड नित्य बोध ज्ञान, और आनंद माने सर्वोपद्रव
सर्वोपद्रव विवर्जित स्वात्मा, यही आनंद है। तो सदानंद का परिणाम सत और आनंद, सदानंद, सदानंद का परिणाम अर्थ। अर्थ क्या है? दुनिया क्या है? सदानंद का परिणाम। इसीलिए दुनिया के अणु अणु में, परमाणु परमाणु में सदानंद भरपूर। और शब्द क्या है? चिदानंद का परिणाम। चिदानंद, संविदानंद, बोधानंद, बोध और आनंद, बोधानंद, चिदानंद, संविदानंद का परिणाम शब्द। तो शब्द जिसका परिणाम और अर्थ जिसका परिणाम, वो दोनों एक चीज। ये थोड़ो ना कि वस्तुता सत्ता अलग है, आनंद अलग है, चित अलग है। अलग अलग हो तो फिर अद्वैत कैसे? जब सच्चिदानंद में ही तीन भेद मौजूद हैं, तो फिर अद्वैत कैसे का? इसलिए उसका अद्वैत यही है कि सत में जो स्वप्रकाशता, वही उसकी संविद रूपता, और संविद में जो अत्यंता बाध्यता, वही उसकी सदरूपता, और सत संविद में जो सर्वोपद्रव रहितता, वही आनंद रूपता। चीज एक, वही चीज सर्वोपद्रव रहित है इसलिए आनंद है, वही चीज बाधा रहित है इसलिए सत है, वही चीज स्वप्रकाश है इसलिए चैतन्य। वस्तु एक, वस्तु एक है, वही प्रतियोगी भेद से, पृथक शब्द से व्यपदिष्ट होता है। तो जिस संविदानंद का, संविदानंद का परिणाम शब्द और सदानंद का परिणाम अर्थ, और दोनों संविदानंद सदानंद एक है, इसलिए तद भिन्ना भिन्न से तद भिन्न तो नियमात, तद भिन्ना भिन्न में तद भिन्नता होती है। तरंगा भिन्न समुद्र, समुद्रा भिन्न तरंगांतर, एक तरंग का दूसरे तरंग के साथ अभेद कहना हो तो न्याय यही है, तद भिन्ना भिन्न से तद भिन्नत्व नियमात, तद भिन्ना भिन्न में तद भिन्नता हो जाती है। इस दृष्टि से गिरा और अर्थ का अभेद होता है, बाघ अर्था विवसम, बाघ और अर्थ का अभेद होता है। पर वो जरा सूक्ष्म है, दार्शनिक विषय है, सूक्ष्म बुद्धि गम्य है, लेकिन ये बहुत स्पष्ट है। गिरा अर्थ की और जल बीच जिमी, जल बीच वाला दृष्टांत बड़ा सरल, जल और जल की बीच, जल और जल का तरंग, वो कहियत भिन्न, कहने में भिन्न भिन्न है, विचार करो तो न भिन्न भिन्न नहीं। गिरा अर्थ जल बीच जिमी, कहियत भिन्न न भिन्न। ऐसे सीताराम कहियत भिन्न, सीताराम कहने में भिन्न भिन्न है, सीता अलग राम अलग, वस्तुतः न भिन्न, वस्तुतः वो भिन्न नहीं है। आप कहेंगे ऐसा प्रयोग भी कहीं हुआ करता संसार में? हाँ, हम कहा करते, सविता गोभी रसम भूंगते, सूर्य नारायण अपने रस का संभोग करते, सूर्य नारायण अपनी रश्मियों से, किरणों से, सूर्य नारायण अपने किरणों से रस का संभोग करते हैं। रस का संभोग करते हैं माने भोग रस, भोग होता क्या बला है, भोग कहते किसको है? अरे भोक्ता जिस भोग्य को अपने में विलीन कर ले वही भोग, भोक्ता में भोग्य का विलीनीकरण, भोक्ता में भोग्य का विलीनीकरण, यही भोग। सविता गोभी रसम भूंगते, सूर्य नारायण अपनी किरणों से धरती के रस का संभोग करते हैं, मन रस को आत्मसात कर लेते, रस जो है उसको आत्मसात कर लेते हैं, मन सूर्य नारायण में धरती का रस लीन हो जाता है। इस तरह से परमात्मा जीव को जब आत्मसात कर लेते हैं, परमात्मा जब जीव को आत्मसात कर लेते हैं, वही समझिए जीव का परमात्मा में विलीनीकरण। इसीलिए जीव में गोपांगना भाव का व्यवहार होता है, जीव गोपांगना, इसीलिए आचार्य कहते हैं गोपांगना भाव के बिना मुक्ति नहीं, गोपांगना भाव के बिना भगवत पद प्राप्ति नहीं। माने गोपांगना भोग्या, भगवान भोक्ता, माने परमात्मा भोक्ता, जीव भोग्य, परमात्मा भोक्ता भोग्य रूप जीव को आत्मसात कर लेता है, अपने में
लीन कर लेता है वही उसका सम्यक संभोग। इसलिए दृष्टांत जो रहा हमारा, सूर्य नारायण अपने किरणों से रस को आत्मसात कर लेते हैं, भगवान परमात्मा श्याम सुंदर भोक्ता भोग्या गोपांगनाओं को आत्मसात कर लेते हैं, तरंग को जल ने आत्मसात कर लिया, चंद्रिका को चंद्रमा ने आत्मसात कर लिया, प्रभा को भानु ने आत्मसात कर लिया। सीधी सी बात, यही सब उनके सिद्धांत है। कहां चंद्रिका चंद्र तज जाई, प्रभा जाई कहां भानु बिहाई, प्राणनाथ तुम बिन जग माही, मोह कहां कतो सुख दुख को नाही। चंद्रिका चंद्रमा को छोड़कर कहां जाए, प्रभा भानु को छोड़कर कहां जाए, गंगा की शीतलता मधुरता पवित्रता गंगा जल को छोड़कर कहां जाए, सच्चिदानंद घन परात्पर परम ब्रह्म का अंश जीव भगवान को छोड़कर कहां जाए, भगवान की शक्तियां भगवान को छोड़कर कहां जाए। यही संभोग है, यही सूरत है, यही अभेद है, यही तादात्म्य पति है, यही जीव का भगवान में तादात्म्य पति। इस तरह से खुलकर विचार कर लेने पर फिर कोई बात बाकी नहीं रही। तो इस प्रकार से भगवत तादात्म्य पति सर्व प्रकार व्यवधान राहित्य, बस सर्व व्यवधान राहित्य, जितने अंश में व्यवधान राहित्य होता है, जितना अधिकाधिक प्रेम का उत्कर्ष होता है उतना ही अधिकाधिक व्यवधान राहित्य होता है, जितना प्रेम में कमी उतना व्यवधान राहित्य में कमी, व्यवधान साहित्य व्यवधान राहित्य, व्यवधान शून्य होना। उस व्यवधान शून्य होने का मूल मंत्र है प्रेमोत्कर्ष। प्रेम का उत्कर्ष होने से ये व्यवधान शून्यता व्यवधान राहित्य की स्थिति उत्पन्न होती। तो दुनिया में इसका उदाहरण कोई होना चाहिए, दुनिया में कोई उदाहरण इसका है ही नहीं। ये दृष्टांत जो हमने दिया ये दृष्टांत अलौकिक से हैं। जीता जागता कोई दृष्टांत, चले चलो उपनिषदों में, और क्या नाम बृहदारण्यक को देखो, बृहदारण्यक उपनिषद के प्रसंग में देखो, कहते जीवात्मा सुसुप्ति में परमात्मा में मिलता। जिस समय सुसुप्ति होती है निद्रा काल में जीवात्मा परमात्मा में मिल जाता, उसको कहते हैं सता सोम तदा संपन्नो भवति स्वम अपितो भवति तस्मात् स्वपिति त्याचक्षते। असल में परम हितैषी भगवान, परम कारुणिक भगवान, माता पिता से कोट गुणित परम हितैषी भगवान जीवात्मा का सदाई हित चाहते, और अविद्या काम कर्म के बस से, अविद्या काम कर्म के वशीभूत होकर जीव भगवान से बिछुड़ जाता है भगवान। असल में बिछुड़ता नहीं, लेकिन बिछुड़ता हुआ सा मालूम पड़ता। जब ते जीव हरिते बिलगान्यो तब ते देह गेह निज मान्यो ते ही भ्रमते नाना दुख पायो। तो बस मूल बात यह है, जब ते जीव हरिते बिलगान्यो, हरिते बिलग हो गए, इसीलिए सारे अनर्थ इसी से आकर खड़े हुए, प्रभु से वियुक्त हो गए। वो पुरंजन पुरंजनी के आख्यान में यही प्रपंच है, पुरंजन पुरंजनी। कोई पुरंजन नाम का राजा था, पुरंजन नाम का राजा, उसकी पत्नी थी पुरंजनी। पुरंजन पुरंजनी का इतना प्रेम हो गया कि पुरंजनी सोवे तो पुरंजन सोवे, पुरंजनी रोवे तो पुरंजन रोवे, पुरंजनी खावे तो पुरंजन खावे, पुरंजनी जो कुछ करे वही करे पुरंजन। क्या है ये ध्यायती व लेलायती, बुद्धि के लेला खेला विलास में, बुद्धि पर अभिव्यक्त चैतन्य में भी लेला खेला विलास मालूम पड़ता। बुद्धि का ठीक अनुकरण करता है आत्मा, बुद्धि पुरंजनी जीवात्मा पुरंजन, यही वहां व्याख्यान किया पुरंजनी पुरंजन। तो पुरंजनी के संपर्क से पुरंजन
फिर क्या हुआ, एक बड़ी अच्छी नगरी में रहने लग गए पुरंजन पुरंजनी। ऐसी नगरी थी जिसमें 10 दरवाजे थे, 10 दरवाजे वाली ये कोई विचित्र सी नगरी, और जिसमें 10 गंधर्व जिसके रक्षक थे पुरी के, और एक 5 फणा वाला कोई विचित्र नाग देव वो पुरंजनी का रक्षा करते थे। और उस नगरी में पुरंजन पुरंजनी दोनों दंपति रहने लग गए। और फिर धीरे धीरे कभी किसी दुश्मन ने हमला कर दिया, संग्राम होते होते पूरी जीर्ण हो गई, पूरी जीर्ण शीर्ण हो गई, बम्बार्ड से पूरी जो है ध्वस्त हो गई। अंत में दुश्मन ने आग लगा दिया पूरी में। बेचारा पुरंजन पुरंजनी का ध्यान करता करता पकड़ लिया गया, मार डाला गया। अब पुरंजनी का ध्यान करते करते पुरंजन मरकर दूसरे जन्म में पुरंजन पुरंजनी बन गया। पुरंजन जो है वो पुरंजनी बन गया दूसरे जन्म, स्त्री हो गया। पुरुष जो है स्त्री हो गया, उसका ध्यान करते करते स्त्री हुआ तो स्त्री साधी सती हुई, सती स्त्री बहुत साधी, विदर्भराज की पत्नी, साधी सती पतिव्रता पत्नी हो गई पुरंजनी। तो फिर वहां पतिदेव का देहांत हो गया जल्दी, अरण्य में तप करते करते पतिदेव का देहांत हो गया। तो अरण्य में पति का देहांत हो गया, अब पति के संविधान में वो बैठा हुआ, वो पुरंजनी विलाप कर रही है, अनाथ है, निराधार है, क्या करे। तो वहां एक हंस प्रगट हुए, बड़े पुराने हंस। तो उन्होंने कहा, अभिज्ञात तथा हंस ने कहा, तुम हमको जानती हो पुरंजनी, हमको जानती हो। कहा नहीं महाराज, हम आपको नहीं। कहा बस हमारे न जानने का ही तो ये परिणाम, मुझे न जानने से ही, मुझको भूल जाने से ही ये सब अनर्थ परंपराएं आई। जब से तुम हमसे पृथक हुए, देखो हम ही तुम्हारे सखा हैं, हम ही तुम्हारे अंतरंग सखा हैं, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हैं, हमारा तुम्हारा अभेद्य संबंध है। अहम भवान न चान्यस्त्वम त्वमेवाहम विचक्ष भो नौ पश्चिम के कबय शीघ्रम जा तो मना दो। अहम भवान, हम तुम एक ही, जो हम है वही तुम हो, जो तुम हो वही हम है। अहम भवान न चान्यस्त्वम त्वमेवाहम, तुम ही हम है, हम ही तुम हो, हमारे तुम में कवींद्र लोग मनागत छिद्रन पश्चिम की, थोड़ा सा भी भेद कवींद्र लोग नहीं देखते। इसलिए ऐसा जो घनिष्ठ हमारा आपका संबंध है, उस संबंध को तुम भूल गए और रो पुरंजनी के माया जाल में फंस गए। जीवात्मा भगवान को भूल जाता है और बुद्धि के साथ एकम एक हो जाता है। बुद्धि के रोने में रोता है, बुद्धि के हंसने में हंसता है, बुद्धि के सोने में सोता है, बुद्धि के मरने में मरता है, बुद्धि के दुख में दुखी होता है, बुद्धि के सुख में सुखी होता है। माने सर्वाधिष्ठान स्व प्रकाश भगवान सर्वेश्वर को भूल करके, बुद्धि का अनुगामी हो करके बुद्धिमय हो जाता है। इसीलिए पुरंजनी का चिंतन करते करते पुरंजन पुरंजनी हो गया, और वो पुरंजन का मुख्य सखा जो था भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा सखा हंस, उस हंस भगवान ने प्रकट हो करके स्वरूप का प्रबोध कराया। सब पुरंजनी ने अपने स्वरूप को समझा और भगवत भाव को प्राप्त की भागवत में। तो इस तरह से अनेक संबंधों के द्वारा जीवात्मा परमात्मा का असाधारण संबंध स्थिर। छांदोग में एक उपनिषद का, छांदोग उपनिषद का दृष्टांत है, तद्यथा सूत्रेण अनुबद्ध शकुनिः, इसलिए कि ये बिना उपब्रह्मण के बहुत क्या लग जाता। लोग कहते हैं हाँ वही सूरतनाथ थी, सूरतनाथ थी, क्या सूरतनाथ है, समस्त लोग यथा सूत्रेण अनुबद्ध शकुनिः दिशं दिशं प्रेत्यन्यत्र आयतन मलब्ध्वा बंधन में उपाश्रय थे। छांदोग उपनिषद इसका अर्थ है, शकुनी एक पक्षी को कहते, कोई कहते शकुनी बाज है, बाज तो शिकारी लोग बाज से शिकार खेलते, बाज को बाज के पांव को एक सूत तागे से बांध देते, सूत्र से, लंबा सूत्र होता है, लंबा सूत्र, तो वो
शकुनी बाज जो है उड़ता है आकाश में, बड़ी दूर दूर तक जाता है। वो छोटा एक बुलबुल भी पालते हैं लखनऊ वाले, लखनऊ शौकीन बुलबुल। बुलबुल बड़ा सुंदर पक्षी होता है, उसके पांव में एक धागा बंधा हुआ होता है और उसके उसका आधार भी कोई लोहे का कोई काष्ठ का बना रखते हैं और उसको हाथ पर ही लिए रहते हैं बुलबुल को। तो बुलबुल पक्षी तभी तो उड़ता है थोड़ा बहुत इस तरफ उस तरफ, पर उड़ आड़ करके अंत में फिर आकर के वही जो आधार है आधार पर ही आकर बैठता है विश्राम के लिए। तो यथा सूत्र अनुबद्ध शकुनी, सूत्र से अनुबद्ध शकुनी पक्षी चाहे बाज चाहे बुलबुल दिशम दिशम प्रेत दिशाओं विदिशाओं में भटक कर अन्यत्र आयतनम अलब्धवा, दूसरी जगह कहीं उसको विश्राम का स्थान नहीं मिलता। तो जब विश्राम करना होता है तो बंधन में वो उपास रहते जिस आधार पर बंधा है वही आकर विश्राम लेता। बाज भी उड़ता उड़ता कहते हैं ना, कितनों चिड़िया उड़े आकाश चारा है धरती के पास, कितना चिड़िया आकाश में उड़े दिशाओं विदिशाओं में उड़े लेकिन विश्राम के लिए शांति के लिए उसको धरती में आना पड़ेगा। तो इसलिए शकुनी बाज भी सूत्र से अनुबद्ध होकर दिशाओं विदिशाओं में भटकता है और जब उसको विश्राम की आवश्यकता पड़ती है तो बंधन में वो उपास रहते। यहाँ बंधन का अर्थ बद्ध के अस्मिन मित बंधनम आधार, बंधन का अर्थ है आधार, बद्ध के अस्मिन ऐसे प्रत्यय से अधिकरण में, अधिकरण में प्रत्यय करके बद्ध के अस्मिन मित बंधनम। तो इसलिए बद्ध के अस्मिन मित बंधनम, तो उसी बंधन का ही उपाश्रय करता है। सूत्र से अनुबद्ध शकुनी दिशाओं विदिशाओं में भटक कर विश्राम के लिए बंधनाधार में आकर विश्राम करता है। ये उदाहरण जीव का, जीव एक पक्षी कर्म सूत्र के बंधन से बंधा हुआ दिशाओं विदिशाओं में भटकता है, जागृत अवस्था में स्वप्नावस्था में दिशाओं विदिशाओं में भटकता है, शब्द संभोग स्पर्श संभोग रूप संभोग प्रपंच संभोग दुनिया भर के आकाश पाताल में उड़ता फिरता घूमता है। लेकिन जब उसको विश्राम की जरूरत होती है तो बंधन में वो उपास रहते जिस आधार पर बना हुआ है वही उसको आकर शांति मिलती है। कौन बंधन है? भगवान। जैसे बुलबुल के विश्राम का स्थान वो बंधन आधार, बाज के विश्राम का आधार वो बंधन आधार, जिस बंधन आधार से अनुबद्ध सूत्र से वो बना हुआ है वही आकर के उसको विश्राम मिलता है। इसी तरह से जीवात्मा का बंधन आधार कौन है? भगवान। प्राण बंधनं ही सो में मना, प्राण बंधनं ही सो में मना। तो मोटा मोटी तो इसका मन का मन है और प्राण का अर्थ प्राण है। इसका मोटा अर्थ यह है कि प्राण के प्राण से बना हुआ होता है मन, मन प्राण से बना हुआ होता है, मोटा अर्थ यह है। लेकिन सूक्ष्म अर्थ है मन अर्थात मन उपाधिक जीव, प्राण अर्थात जो भाई प्राण सा प्रज्ञा या भाई प्रज्ञा सब प्राण। इस व्युत्पत्त के अनुसार प्राण शब्द का अर्थ है माया विशिष्ट परब्रह्म, माया विशिष्ट परब्रह्म प्राण, और मन मन उपाधिक जीव। तो मन उपाधिक जीव कर्म सूत्र से बना हुआ दिशाओं विदिशाओं में भटकता हुआ विश्राम पाने के लिए माया विशिष्ट परमात्मा, माया विशिष्ट परमात्मा माने सावरण परब्रह्म परमात्मा उन्हीं का सहारा पकड़ा, माने निद्रा काल में जागृत अवस्था में स्वप्नावस्था में अनेक प्रकार का संसार का अनुभव करता हुआ भटकता हुआ छलांग मारता हुआ आकाशी उड़ान उड़ता हुआ जब सब कुछ करते करते थक जाता है तो निद्रा काल में आकर भगवान की गोद में बैठकर वहीं विश्राम पाता है। जैसे बालक क्रीड़ा करता करता भटकता दौड़ता घूमता है जब अपनी माँ के अंक में जाता है तो शांति से विश्राम करता है, माँ के अंक में जाकर बालक शांति से विश्राम करता है। जैसे जागृत अवस्था में स्वप्न अवस्था में आकाशी उड़ान उड़ता हुआ जीव रूपी पक्षी कर्म सूत्र से बना हुआ दिशाओं विदिशाओं में भटकता हुआ परिश्रांत होता है, जब बहुत थक जाता है तो फिर माँ की गोद सूझती है, जब बहुत थक जाता है जीव तो अंततो गत्वा निद्रा काल में आता है। निद्रा काल में क्यों आनंद होता है? इसीलिए कि निद्रा काल में जीवात्मा भगवान में मिल जाता है। उसी को श्रुति कहती है सता सोम तदा संपन्नो भवति,
तदा माने उस निद्रा काल में जीव सता माने सतपद वाच्य न परमात्मना सह संपन्नो भवति। सतपद वाच्य जो परमात्मा है, परमात्मा के साथ जीवात्मा संपन्न हो जाता है, इसलिए उस समय उसको स्वपित कहते हैं। स्वपित, स्वपित का धातु के अनुसार क्रिया है, इसलिए तो मोटा अर्थ स्वपित माने सो रहा है, पर स्वपित का निर्वचन करो तो निर्वचन करके स्वम अपितो भवति तस्मात् स्वपित इत्याचक्षते। इसका स्वपित का निर्वचन किया तो स्वम अपितो भवति, अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, इसलिए उसको स्वपित कहते। अपिधानम पिधानम होता है ना, तो आकार का लोप हुआ, अपिधानम पिधानम। स्वम अपितो भवति उसमें का आकार हटा दिया, स्वपिति माने अपने स्वरूप को लीन होता। सुसुप्ति काल में जीवात्मा अपने स्वरूप में लीन होता है, माने अपना स्वरूप माने भगवान अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा, अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा के साथ जीवात्मा सुसुप्ति में मिल जाता है, उनके गोद में पहुंच जाता है, इसीलिए दुनिया का आनंद छत फीका पड़ जाता है। भगवान के गोद में बैठने में जो आनंद आता है, भगवान में मिलने से जो आनंद आता है, उस आनंद के सामने दुनिया का आनंद फीका। एक दिन इंद्र को अगर नींद ना आवे तो इंद्राणी बिचारी नाचती रह जाए, इंद्र को सुख कुछ नहीं। इंद्र को भी अश्विनी कुमार वैद्य बुलाना पड़े, भाई वैद्य जी को बुलाओ, नींद नहीं आ रही। क्यों भाई, बढ़िया कल्प वृक्ष है, नंदन वन है, बड़े अच्छे अच्छे विमान हैं, बड़ी सुंदरी अप्सराएं हैं, इंद्राणी है, ले आनंद काहे नींद को ढूंढ रहे हो, इंद्राणी जैसा आनंद नहीं। हाँ साहब, इंद्राणी जैसा आनंद। अरे विष्णु भगवान भी लंबी लंबी सोवाई सोते, विष्णु प्रबोधनी विष्णु सैनी को सोए, विष्णु प्रबोधनी तक सोएंगे विष्णु सैनी। अषाढ़ शुक्ला एकादशी को सो गए, अब जगेंगे बीच में, एक दिन करवट बदलेंगे, भादों के अंतिम एकादशी को एक दिन जरा सा करवट बदलते। और शास्त्रीय सिद्धांत देखो तो विष्णु की निद्रा बड़ी होती, ब्रह्मा जितना सोते हैं उससे बहुत ज्यादा विष्णु सोते हैं। ब्रह्मा तो एक हजार चतुर्दुगी सोते हैं, एक हजार चतुर्दुगी तक ब्रह्मा सोते हैं, और ब्रह्मा की आयु तो विष्णु भगवान का एक निमेश है, कल है। ऐसे सैकड़ों हजारों करोड़ों ब्रह्मा मरते हैं, तब उनका कहीं एक दिन खत्म होता है, वो जब सोने लगते हैं तो बड़ी लंबी सोवाई सोते हैं, कुछ ठिकाना नहीं। क्योंकि सोने में बड़ा आनंद है, दुनिया का आनंद सब ठीका सोने, बढ़िया से बढ़िया शब्द संभोग, बढ़िया से बढ़िया स्पर्श संभोग, बढ़िया से बढ़िया रूप संभोग, सब ठीके पड़ जाते सोने के सुख के सामने। एक दिन नींद ना आए तो आफत खड़ी हो जाए, पंद्रह दिन नींद ना आए, हमारे साथी जी को कई दिन नींद नहीं आई, बड़े परेशान, क्या करेंगे, यही क्या बात है, क्या कर रहे हैं, बात ही नहीं, कुछ स्वाद ही नहीं आता नींद में, तो क्या बात है। अरे नींद में ब्रह्म मिलता है भाई, नींद में ब्रह्म मिलता है, इसीलिए जो लोग कहते ब्रह्म ठीका है, बड़ा ठीका है, बेवकूफ, ब्रह्म ठीका है, बोले साहब ब्रह्म में तो कांता कटाक्ष नहीं, ब्रह्म में आम का पका फल नहीं, गन्ना का रस नहीं, बालकों का कल भाषण नहीं, कांता कटाक्ष नहीं, तो सुख तो यही है, इससे ध्यान नहीं कहा सुख सुख कहा। ये सब ऐसी बात है जैसे कोई नीम के कीड़े को नीम के रस का तो अनुभव है, वही मिश्री का रस तो जानता ही नहीं, उसे कहो चलो तुमको मिश्री का रस कराएंगे, कहा क्या हमारे नीम का रस भी अच्छा होता है, मिश्री का रस हाँ कहा नहीं कही अच्छा होता है, नीम रस का स्वाद जो है मिश्री के रस के बराबर तो नहीं होता। क्या वैसा ही सुख का अनुभव करने वाले जो लोग हैं, विषयेन्द्रिय संप्रयोग जनित सुख का अनुभव करने वाले जो हैं, उनको परिचय ही नहीं निर्विषय सुख क्या होता है, इसे नीम के कीड़े को मिश्री के रस का पता ही नहीं, तो इसे वैसा ही रस के सेवन करने वाले जो प्राणी हैं, उनको निर्विषय रस क्या होता है इसका बिल्कुल परिचय ही नहीं। तो हम पूछते बोलो सुसुप्ति में कौन सा कांता कटाक्ष मिल रहा, सुसुप्ति में कौन से कल बालकों के कल भाषण प्राप्त हो रहे हैं, सुसुप्ति में कौन आम्र का पक्व फल मिल रहा है, कौन सा ऐसा रस मिल रहा है सुसुप्ति में, कुछ नहीं मिल रहे हैं। तो भी सुसुप्ति के आनंद के मुकाबले है दुनिया का कोई आनंद, कोई आनंद नहीं। तो सुसुप्ति आनंद तो भगवान का आनंद है, लेकिन साधारण आनंद, ढका हुआ आनंद, ये तो भगवान के साधारण आनंद का स्वाद है, ढका हुआ आनंद,
है तो ब्रह्मानंद सुसुप्ति का आनंद, लेकिन निरावरण आनंद नहीं, सावरण आनंद है। आवरण से अविद्या रूप अज्ञान रूप आवरण से ढका हुआ आनंद। मोक्ष क्या है? निरावरण आनंद। वो आवरण भंग हो जाए, आवरण जिस समय भंग हो जाए, अनंत अखंड निरावरण आनंद मिले, मोक्ष। तो खैर मोक्ष जब तक न मिले तब तक भी कम से कम सुसुप्ति दशा में सावरण आनंद भी मिलता रहे तो भी जीव की खैरियत रहती। बड़ा बीमार हो लेकिन अगर नींद 24 घंटे में एक घंटा भी सही नींद आ जाती है तो खतरा नहीं, स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। इसलिए भाई देखे भाई नींद आई कि नहीं, नींद आ गई, नींद आ गई, नींद आई, हाँ तब कोई बात नहीं। नींद आना माने आधा रोग दूर हो गया। बड़ा रोगी हो नींद अच्छी आ जाए समझो रोग। और थोड़ा तो याचक नाथे नाधे जांचा उपताप ऐश्वर्य, तो नाथ का तक सूरत जाचक। तो इसी प्रसंग में चल रहा था सूरत क्या है, लौकिक वस्तु सूरत है, संभोग सुख का नाम सूरत है, उसका पर्यवसान, उसका पर्यवसान कहाँ होता है इसका विवरण करते हुए हमने बतलाया कि सच्चिदानंद घन भगवान परात पर ब्रह्म में जो जीव की तादात्म्य पत्ति सर्वविध व्यवधान शून्यता, सर्वविध व्यवधान शून्यता, यही यही प्रयान प्रेयसी का पूर्ण सम्मिलन है, यही सुरत है, यही संभोग है, प्रयान प्रेयसी का सर्व व्यवधान शून्यता। लोक में सीमित ही है, सीमा ही रहती है, पूर्ण व्यवधान राहित लौकिक प्रयान प्रेयसी का हो नहीं सकता। कंचुकी हार भूषा आदि व्यवधान का अपनयन होने में भी रोमांच उद्गति का व्यवधान अपनयन नहीं होता, वस्तुकृत व्यवधान बना ही रहता है। इसलिए हमने वो बतलाया उत्तस्तुरारात सहसासना सयात द्वारकास्त पच महिषी, वो अपने भगवान श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण चंद्र से मिलने के लिए आसनात उत्तस्तु और आसयात से उत्तस्त, आसन से उठे देशकृत व्यवधान को अपनयन करने के लिए, और आशयात माने आशयोपलक्षित पंचकोश पंचुकात, आशयोपलक्षित पंचकोश पंचुक से भी पृथक हुए, अर्थात अन्नमय प्राणमय मनोमय एवमेव प्राज्ञेन आत्मना संपरिस्वक्तः। उसी प्रकार से प्राज्ञ आत्मा जो भगवान सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान है उसको प्राप्त करके जीवात्मा उन्हीं का आलिंगन करके और उसी आलिंगन जन्य आनंद के उद्रेक में ऐसा अद्भुत आनंद समुद्र उमड़ता है कि दुनिया सब के सब भूल जाती है। इसलिए कोई जागतिक प्रपंच निद्रा काल में स्मरण में नहीं रहता, कोई जागतिक प्रपंच निद्रा काल में स्मरण में नहीं आता, उसका यही कारण है। तद्यथा प्रियया भार्यया संपरिस्वक्तो नान्तरं किंचन वेदन बाह्यम एवमेव प्राज्ञेन आत्मना संपरिस्वक्तः। तो कहने का अभिप्राय यह है यही लौकिक उदाहरण, इसी लौकिक उदाहरण के आधार पर ये वास्तविक नहीं है, वस्तुतः ये सब सीमित उदाहरण है, लेकिन एक संकेत करना है। वस्तुतः जीवात्मा परमात्मा के सम्मिलन का उदाहरण बड़ा ऊंचा है, ये सब कोई उदाहरण पर्याप्त, तथापि कुछ संकेत किया जा सकता है, इसके द्वारा इशारा होता है कि किस तरह से जीवात्मा परमात्मा के सम्मिलन में आनंदोद्रेक में विश्व का विस्मरण होता है और लोकोत्तर आनंद की अनुभूति होती है। एतावता जो कहते हैं ब्रह्म में कोई सुख नहीं है, ब्रह्म शुष्क है, उनका खंडन हो जाता है। जब सावरण ब्रह्म में ये सुख है, आवरण से ढका हुआ आनंद है, माने सुसुप्ति में जो ब्रह्म की अनुभूति, वहां प्रश्न है अगर परब्रह्म में जीवात्मा सुसुप्ति में मिल गया तो फिर क्यों उसको संसार होता,
क्योंकि ब्रह्म प्राप्ति से तो फिर संसार नहीं होना चाहिए। ब्रह्म प्राप्ति हो गई फिर संसार कैसा। तो जो प्रतिदिन सुसुप्ति में जीवात्मा ब्रह्म को प्राप्त होता है, फिर क्यों जागृत अवस्था में स्वप्न अवस्था में सांसारिक दुखात्मक बंधनों में फंसता। तो कहते हैं यही बात है, वासना है, जीवात्मा भी वासना युक्त है, और जिस परमात्मा में मिला है वो परमात्मा भी सावरण अज्ञान रूपी आवरण से ढका हुआ। नाहम प्रकाश सर्वस्य जोगमाया समावृत, जोगमाया समावृत भगवान भी हैं और जीवात्मा में भी संसार की वासनाएं। इसलिए वही वासनाएं जब उद्भूत होती हैं तो फिर वहां से अविद्या काम कर्म वश से जागृत अवस्था और स्वप्नावस्था के हेतुभूत अविद्या काम कर्म के उद्भूत होने पर और सुसुप्ति दशा भंग हो जाती है। इसलिए परमात्मा को प्राप्त करके भी जीवात्मा लौट आता है, इसलिए कि वो परमात्मा सावरण परमात्मा है और जीवात्मा स्वयं वासना युक्त। अब जिसको तुरीय पद प्राप्ति कहते हैं, तुरीय पद प्राप्ति जागृत अवस्था से पृथक, स्वप्नावस्था से पृथक, सुसुप्ति अवस्था से पृथक, तुरीय पद चतुर्थ पद तीनों की अपेक्षा उसको चौथा कहते हैं। जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुसुप्ति अवस्था, ये तीन अवस्थाएं हैं। ये तीन अवस्थाएं उपाधियां हैं। तीनों उपाधियों के खत्म होने पर जो सर्वोपाधि विनिर्मुक्त, जागृत अवस्था की उपाधि से रहित, स्वप्नावस्था की उपाधि से रहित, सुसुप्ति अवस्था की उपाधि से रहित। जागृत अवस्था की उपाधि है स्थूल शरीर, स्थूल शरीर माता पिता के शुक्र शोणित से उत्पन्न स्थूल शरीर और बहिर्मुख इंद्रियां, बहिर्मुख मन, बहिर्मुख बुद्धि, ये सब उपाधि जागृत अवस्था की। स्वप्न अवस्था की उपाधि अर्ध निद्रा है और अर्ध विलीन मन, अर्ध विलीन मन, अर्ध निद्रा, बस यही उपाधि स्वप्न की। और सुसुप्ति अवस्था की उपाधि है अविद्या, शुद्ध अविद्या, अभिशुद्ध सत्व प्रधाना प्रकृति, अभिशुद्ध सत्व की प्रधानता जिसमें है एवं भूता जो प्रकृति है वही अविद्या है। अविद्या ही सुसुप्ति अवस्था में उपाधि। तीनों उपाधियां जागृत अवस्था और स्वप्नावस्था और सुसुप्ति अवस्था, तीनों उपाधियों का जब जिस समय बाद हो जाता, तीनों उपाधियां मिट जाती, निरुपाधिक अखंड बोध, अनंत चित, स्वप्रकाश परब्रह्म, वो है निराबरण ब्रह्म। एतावता परिचय। जब सावरण ब्रह्म में ये सुख है तो निराबरण ब्रह्म में तो कितना सुख होगा। जब सावरण ब्रह्म की यह हाल, इंद्र भी विविध प्रकार का ऐश्वर्य सुख भोग छोड़कर निद्रा के लिए लालायित होता है, ब्रह्मा भी अनंतानंत आनंद सामग्रियों को छोड़ करके महती निद्रा के लिए लालायित होते हैं। क्यों? निद्रा में वही ब्रह्म सुख का अनुभव, सावरण ब्रह्म सुख का अनुभव। तब जब निद्रा के सावरण ब्रह्म सुख का इतना प्राखर्ज है, इतना उत्कर्ष है, तो जहां निराबरण परब्रह्म मिलेगा, निराबरण परब्रह्म का अनुभव मिलेगा, तो फिर कहीं नहीं। इसलिए सर्वोत्कृष्ट सुख रो निराबरण परब्रह्म में ही है। कोई तुरीय कहते हैं, रूपांतर से इतनी होता है। जहां तीनों की अपेक्षा किया तहा उसको तुरीय कहा, तीनों की अपेक्षा न किया, तीनों को असत समझकर मिथ्या समझकर बाधित कर दिया, जब तीन नहीं तो चौथा भी कहां से आया। इसलिए तुरीय ही रूपांतर से तुरीयती कहा जाता है। इसलिए निराबरण सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म ही तुरीय तत्व है, वही तुरिया तत्व है, तुरीयातीत तत्व है, उसी पद की प्राप्ति के लिए सुसुप्ति अवस्था का प्रलोभन है। ये तो भगवान एक परिचय, परिचय होता है ना किसी चीज का, जब तक कुछ अनुभव न हो तब तक उस ओर रुचि नहीं होती, अनुभव न हो तो उस ओर अभिरुचि नहीं होती। इसलिए सावरण ब्रह्म सुख का अनुभव कर लो, निद्रा काल में सुसुप्ति काल में सावरण ब्रह्म सुख का अनुभव कर लो, तो इससे तुम्हारा स्वयं मन
लालायित हो उठेगा कि निरावरण ब्रह्म सुख का अनुभव करेंगे तो कैसा आनंद आएगा, स्वयं उस ओर प्रवृत्ति हो जाएगी। तो इस तरह से वस्तु दृष्टि से जीवात्मा का निरावरण परम ब्रह्म के साथ जो सम्मिलन है, इसीलिए हमने द्वारकास्थ पटरानियों के दृष्टांत में जो कहा, उन्होंने अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय पंचकोश की उपाधियों से विनिर्मुक्त होकर सर्व वासना शून्य होकर पंचकोशातीत होकर निर्विकार सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म रूप कृष्ण से मिली, देश कृत व्यवधान हटाकर वस्तु कृत व्यवधान हटाकर सर्व व्यवधान शून्य होकर कृष्ण के साथ मिली, यही वास्तविक उच्च कोटि का शुद्ध जीवात्मा का जो शुद्ध परम ब्रह्म का सम्मिलन है उसी का उदाहरण वो है। इसी तरह से ये जो गोपांगना है इनकी तो महिमा द्वारकास्थ पट रानियों से कहीं ऊंची। द्वारकास्थ पट रानियां तो इनके सौभाग्य को, इनके लोकोत्तर अद्भुत महिमा को सोच समझकर इनके सौभाग्य को सिहाती रहती, ललचाती रहती। तो इन गोपांगनाओं का तो ठीक पूर्ण रूप से, ये तो इनमें से बहुत सी किसी किसी समय तत्वस्फुरण भी होता है, परंतु वस्तु दृष्टि से भगवान कृष्णचंद्र की शक्ति स्वरूपा है। राशेश्वरी नित्य निकुंजेश्वरी ब्रजभानु नंदिनी राधा रानी तो माधुर्य सार सर्वस्व की अधिष्ठात्री, जैसे गंगा जल के भीतर शीतलता मधुरता पवित्रता रहती। ये तो अभी तक जो हमने उदाहरण दिया, ये उदाहरण तो फिर भी कुछ बहिरंग है। जल का तरंग का संबंध, चंद्रिका का चंद्रमा का संबंध, भानु का प्रभा का संबंध, ये संबंध तो फिर भी कुछ बहिरंग, लेकिन इनसे भी ऊंचा संबंध है गंगा जल में शीतलता मधुरता पवित्रता। गंगा जल में तरंग, तरंग तो बहिरंग है, लेकिन शीतलता मधुरता पवित्रता ये गंगा जल से भी अंतरंग है। आनंद सुधा सिंधु में तरंग हो, आनंद सुधा सिंधु में तरंग हो तो भी संबंध बड़ा घनिष्ठ है। आनंद सुधा सिंधु उसी में का तरंग, तो तरंग के भीतर बाहर मध्य में आनंद सुधा सिंधु ही तो है, ये भी संबंध बड़ा ऊंचा। लेकिन आनंद सिंधु में तरंग फिर भी बहिरंग है, लेकिन आनंद सिंधु में जो माधुर्य सार सर्वस्व है वो तो और अंतरंग है। अमृत सिंधु में जो मिठास है, अमृत सिंधु का तरंग, सिंधु का मिठास, मिठास तो अंतरंग चीज है। इस तरह से आनंद सिंधु भगवान श्री कृष्ण चंद्र, उनमें तरंग स्थानीय गोपांगना ब्रज सीमंती, लेकिन आनंद सिंधु श्री कृष्ण चंद्र उनमें जो मधुरिमा है, मिठास है, वो माधुर्य सार सर्वस्व की अधिष्ठात्री वो राशेश्वरी नित्य निकुंजेश्वरी वृषभानु नंदिनी राधा रानी। तब अर्थात वो तो बिल्कुल अंतरंग है, वहां तो तरंग और जल का संबंध भी फीका पड़ जाता, चंद्रिका और चंद्र का संबंध भी फीका पड़ जाता, धान और प्रभा का संबंध भी फीका पड़ जाता। यहाँ तो किसी प्रकार की कल्पना ही नहीं होती अमृत सिंधु से मिठास कभी अलग हुई होगी, गंगा जल से उसकी शीतलता मधुरता पवित्रता कभी अलग हुई होगी, आनंद सिंधु श्री कृष्ण चंद्र से उसके माधुर्य सार सर्वस्व की अधिष्ठात्री राधा रानी कभी उनसे पृथक हुई होंगी, इसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। तो वो जो सम्मिलन है वही सर्व व्यवधान शून्य सम्मिलन, सर्व व्यवधान शून्य सम्मिलन वही सम्मिलन, वहां किसी प्रकार का व्यवधान नहीं, न कंचुकी का, न हार का, न भूषा का, न रोमांच का, किसी प्रकार का व्यवधान नहीं है। सर्व व्यवधान शून्य सम्मिलन जो है वो वही है जो आनंद सुधा सिंधु श्री कृष्ण चंद्र और उनके माधुर्य सार सर्वस्व की अधिष्ठात्री राशेश्वरी नित्य निकुंजेश्वरी राधा रानी, इस प्रकार का सूरत ये यहाँ का सूरत है। यहाँ कोई पाशविक सूरत पशुओं का सूरत वो यहाँ नहीं बख्शित है, ये सूरत नाथ थे। एतावता यही सूचित किया कि सर्व प्रकार के संभोग सुख, संसार का जितना संभोग सुख है, संसार के सभी संभोग सुख के आप ही अधिपति,
आप ही के अनुकंपा से दुनिया को संभोग सुख मिलता है। तैत्रेय उपनिषद कहती है ये सहेवा आनंद आती, दुनिया के लोगों को भी आनंद कर्ण प्रदान करना इन भगवान का ही है। भगवान के अनुग्रह से दुनिया को भी थोड़ा थोड़ा आनंद मिलता है, शब्द के संभोग में, स्पर्श के संभोग में, रूप के संभोग में, मधुर मनोहर पकवान के संभोग में, सौंदर्य माधुर्य सौरस्य सौगंध संपन्न मधुर मनोहर पकवान के संभोग में जो सुख होता है, ये जो कुछ भी सुख संसार का है, संसार का जो भी संभोग सुख है, उस संभोग सुख का अधिपति वही सर्वाधिष्ठान स्व प्रकाश भगवान है। इसलिए सुरतनाथ सर्व प्रकार के संभोग के अधिपति। तो इस दृष्टि से आप, और उसके लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ता, केवल मात्र दृशा दृशा सुरतनाथ दृष्टि से ही भगवान को कुछ करना पड़ता, मेहनत करनी पड़ती। संकल्प कर दिया अश्वभीष्टम सिद्धतु, बस हो गया काम, दृष्टि मात्र। अरे जहां बतलाया है निश्चितम अश्व वेदा दीक्षित नेतस्य पंचभूतानि सुमित नेतस्य चराचरम असिद्ध सुप्तम महाप्रलय, भगवान के श्वास से अनंत विद्याओं का उद्गम स्थान मंत्र ब्रह्मात्मक वेद बनकर प्रकट है। निश्वास लिया श्वास सहज श्वास जाति सहज श्वास सुरचारी तो प्रभु पड़े यह अचरज भारी, जिसके सहज श्वास से अकृत्रिम सहज श्वास से अनंत विद्याओं के उद्गम स्थान मंत्र ब्रह्मात्मक वेद बनकर प्रकट है। और जिन्होंने जरा सा निहार दिया तो अनंत ब्रह्मांड का मूल पंच महाभूत बनकर तैयार हो जाए। दीक्षित में तस्य पंचभूतानि, इसके दीक्षण से निहार देने मात्र से निहार दिया अनंत ब्रह्मांड का मूल पंच महाभूत बनकर तैयार है। जरा सा मुस्कुरा दिया, मुस्कुरा दिया अनंत कोट ब्रह्मांड फलित प्रफुल्लित होकर सामने आ गए। और जरा सा आंख नीच लिया अनंत ब्रह्मांड का बनता धार हो गया। बस और कुछ प्रयास ही नहीं, इतने काम, श्वास लिया निहार दिया मुस्कुरा दिया फिर आंख नीच लिया, यही तो लीला। श्वास ले दिया अनंत विद्याओं का उद्गम स्थान मंत्र ब्राह्मणात्मक वेद बन गए, निहार दिया पंच महाभूत बन गए, मुस्कुरा दिया अनंत करोर ब्रह्मांड बन गया, आंख नीच लिया अनंत ब्रह्मांड का संहार। यही छोची भरे भरी धरकावे, जब चाहे तब फेर भराए, उनको भर दे भरी को धरकाए दे, जब चाहे तब फिर से भरा दे। तो जब दृष्टि मात्र से अनंत ब्रह्मांड का उत्पादन करते हैं तो फिर क्या नाम दृशा सुरतनाथ, दृष्टि मात्र से संकल्प मात्र से सरकार का संभोग सुख देने वाले। किंतु वही वांछा कल्पतरु जो संसार की वांछाओं को पूरी करता है, उसी को अपना सर्वस्व अर्पण करने वाली हम गोपसी मंतिनी ब्रजांगना, हम उस सुरत सुख से वंचित, जो प्रभु सुरतनाथ है, संभोगाधिपति है, अनंत ब्रह्मांड के ब्रह्मादि देव शिरोमणियों को दिव्य दिव्य संभोग सुख प्रदान करते हैं, हम उन्हीं की प्रेयसी, उन्हीं को अपना सर्वस्व अर्पण करने वाली, जैसे दिया तले अंधेरा होता है, दीपक के द्वारा सबका प्रकाश हो रहा है तो दिया पर दिया तले अंधेरा है, कैसे जो भगवान सुरतनाथ हैं अनंत कोट ब्रह्मांड के अनंत अनंत ब्रह्मादि देव शिरोमणियों को लोकोत्तर संभोग सुख प्रदान करते हैं, हम उन्हीं की प्रेयसी होती हुई, उन्हीं को अपना सर्वस्व अर्पण करती हुई भी और उनके संभोग सुख से वंचित, ये भी इसका अर्थ है। सुस्थ शोभना रहतिर जस्य सा सुरतः तत्सम्बुद्ध, हे सुरत हे नाथ, अलग अलग भी संबोधन, हे सुरत हे नाथ। शिष्य शोभना रति माने भोगापवर्ग कामधेनु, भोगापवर्ग देने वाली कामधेनु, रूपा रति प्रीति अनुरक्ति, रति प्रीति अनुरक्ति, जिसके मंगलमय पादार बिंद की अनुरक्ति शिष्य है, शोभना है माने भोगापवर्ग कामधेनु
भोग और अपवर्ग को देने वाली कामधेनु वो सूरत, तो ये भी कहना है सूरतनाथ से दोनों मिलाकर कहा सूरतनाथ, इससे ये कहा कि नाथ का ईश्वर अर्थ है, ईश्वर भी नाथ का अर्थ है, तो सूरतनाथ माने सूरत ईश्वर अर्थात सूरत प्रेरक और सूरत जाचक अर्थात माधुर्य भाव में एक ऐश्वर्य भाव है एक माधुर्य भाव। ऐश्वर्य भाव में भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांडाधिपति आप्त काम पूर्ण काम आत्मा राम परम निष्काम सर्वाधीश दाता। फिर भी भिन्न भिन्न अभिप्राय से लोग भिन्न भिन्न संबोधनों द्वारा उनको पुकार कर उनसे अपना मनोरथ पूरा करते, धर्म मार्ग में उनका संबोधन हे धर्म पालक हे धर्मज्ञ हे ब्रह्मण्य हे यज्ञपते, ये धर्म मार्ग में भगवान का संबोधन यज्ञपते धर्म पालक ब्रह्मण्य ब्रह्मण्य देवाय। ज्ञान मार्ग में अध्यात्म मार्ग में ज्ञान निधे योगेश्वर हे योगेश्वर हे ज्ञान निधे हे सुब्रत, ऐसे ऐसे विशेषणों से काम चाहते हैं जो जो अर्थ चाहते हैं लक्ष्मी पते जगत पते लक्ष्मी पते इत्यादि संबोधनों से अपने अभीष्ट की सिद्धि करते हैं। माने जागृत संबोधन होते हैं जिस प्रकार की अभिलाषा होती है उसी प्रकार के संबोधन भगवान के किए जाते हैं। उस दृष्टि से भगवान आप्त काम पूर्ण काम आत्मा राम परम निष्काम सर्वदाता, लेकिन माधुर्य भाव में भगवान को आप्त काम पूर्ण काम आत्मा रामई नहीं मानते, भगवान को सकाम भी मानते। तभी तो भगवान पिता रात्रि सरदोत्फुल्ल मल्लिका दीक्षरंतु मनश्चक्र योग माया उपासरता, जो भगवान है सदभग पूर्ण है अचिंत्य अनंत कल्याण गुण गणों का आस्पद है, वही भगवान तारात्रि दीक्ष ता ब्रजसेमंत निर्दीक्ष ता आहूय ताभिसारंतुम मनश्चक्र। तो आप्त काम में अपूर्ण कामता आ गई, अघटित घटना पतियसी भगवान की मंगलमयी माया शक्ति, उस माया शक्ति के द्वारा अजी सुनाई है आपने ताही अहीर की छोहरियां छतिया भर छाँच पे नाच नचावे, कहती श्याम सुंदर नाचो तो फिर एक छतिया और दही दे दें, तो नाचते हैं अच्छा लो सखी नाचते नाचते अब दो सखी, तो एक छतिया भर छाँच देने के लिए श्याम सुंदर मदन मोहन को नचाती। तद बसो दारु यंत्रवत कह दिया ना, तद बसो दारु यंत्रवत, जैसे काच की कठपुतली सूत धार के इशारे से नाचती है वैसे गोपांगना के इशारे पर श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन मदन मोहन नाचते। ये माधुर्य भाव, यहां वो सर्वज्ञता को भुला देती, भगवान की सर्वज्ञता भगवान की सर्वशक्तिमत्ता भगवान के अनंत कोटि ब्रह्मांड नायकता भगवान की सर्वेश्वरता को बिल्कुल भुलाकर सब बात करती हैं। हे सूरत जाचक, ये उस दृष्टि का संबोधन, आप स्वयं सूरत की जांचा करने वाले कामना करने वाले सूरत की कामना करने वाले जांचा करने वाले, जो मत्था की कामना करता है जो दही की कामना करता है नवनीत चुराने जाता है नवनीत चुराने, अरे मांगना तो फिर भी एक वैध मांगना, चुराना तो और रागातिशय है ना,
दही चुराने गए, नवनीत चुराने गए। वो भक्त कहते हैं न, सत प्रथयति नवनीत चौरतांति ब्रजुबति जन जारतान जनो जहा पितरसि निज रूप मीस तस्मयी सुकृत धिया परिगोपनाय नून। तो कहते प्रथयति नवनीत चौरतांति, जो दुनिया में आपकी मक्खन चोरी को गाते, कृष्ण ने मक्खन चुराया, कृष्ण ने नवनीत की चोरी की, ये कथा जो विस्तार से जो ये कथा करते हैं कृष्ण की, नवनीत चौर जी की कथा। और जो ब्रज युवती जन जारता को गाते श्री कृष्ण, चोर जार शिरोमणि, चोर शिरोमणि जार शिरोमणि, ब्रज युवती जनों के जार हुए, ब्रज युवती जनों के नवनीत के चोर हुए। इस तरह से जो आपकी नवनीत चोरता और ब्रज युवती जन जारता को गाता है संसार में, उसको जल्दी आप अपना रूप दे देते हैं। तो आपकी नवनीत चोरता को गा रहा है संसार में, ब्रज युवती जन जारता का प्रख्यापन कर रहा है, तो उसको आप जल्दी जल्दी अपना रूप बना देते। क्या मतलब? मतलब मेरा रूप हो जाएगा तो मेरा दोस्त उसी का दोस्त हो जाएगा, चुप हो जाएगा। मेरा दोस्त उसी का दोस्त हो जाएगा, मेरा रूप ही तो हो गया ना, अब काहे जाएगा। इसलिए जल्दी उसको अपना रूप दे देते हो, प्रदान कर देते हो। तो इसलिए ऐसी स्थिति में कहते सुकृत धिया परिगोप, जो आपने किया है अपने कारनामों को छिपाने के लिए है, ये दान जो है उदारता का दान नहीं है, ये अपने कारनामों को छिपाने के लिए दान है। सुकृत धिया परिगोपनाय नूनम। तो इसलिए इस प्रकार की जो माधुर्य लीला भगवान की है, उसी माधुर्य लीला की दृष्टि से श्याम सुंदर सूरत जाचक सूरत नाथ हैं आप, सूरत की जांचा करते हैं। और आप ही ने हमारे हृदय में सूरत की इच्छा भी उत्पन्न किया। क्या मतलब? उचित दृष्टि से देखो, अर्थात भगवान के सम्मिलन की उत्कट उत्कंठा भी भगवान की प्रेरणा ही से। जब तक भगवान की कृपा न हो, तब तक भगवत सम्मिलन की उत्कट कामना प्राणी के हृदय में पैदा नहीं होती। संसार की भिन्न भिन्न चीजों की कामना होती है, पुत्र की कामना होती है, कलत्र की कामना होती है, धन की कामना होती है, विभिन्न प्रकार के सांसारिक पदार्थों की कामना होती है। पर किसी को ये कामना हो, हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हमें तो प्रियतम प्राणधन पर प्रेमास्पद मदन मोहन श्याम सुंदर मिल जाएं, बस श्याम सुंदर के मंगलमय मुखचंद्र का दर्शन करें, श्याम सुंदर के पादारविंद के नखमण चंद्रिका का दर्शन करें, उनके पादारविंद को अपने ओर स्थल में स्थापित करें, भगवान के मंगलमय पादारविंद के सौगंध्यामृत का रसास्वादन करें, भगवान के श्रीअंग के लावण्य अमृत का स्पर्श करें। इस प्रकार की जो कामना होती है भगवत संभोग की कामना। भगवत संभोग क्या है? अरे भगवान के मुखचंद्र के सौंदर्य रस का आस्वादन भगवत संभोग, भगवान के पादारविंद की नखमण चंद्रिका का अमृतमय स्वरूप का अनुभव, यही भगवत संभोग। भगवान के पादारविंद में जो दिव्य सुगंधि है, भगवान के पादारविंद की सुगंधि की आकांक्षा हृदय में उत्कट हो जाए, घ्राणों को दुनिया का कोई गंध अच्छा न लगे, किसी प्रकार का इतर, ना चमेली का, ना गुलाब का, ना कमल का कोई इतर अच्छा लगे, केवल प्रभु के पादारविंद के सौगंध्या मृत की ही कामना हो। भगवत पदारविंद संश्लिष्ट जो तुलसी दल है, तुलसी दल का लोकोत्तर मकरंद रसास्वादन के लिए हृदय उत्कंठित हो जाए, यही भगवत संभोग सुख की इच्छा। दुनिया, दुनिया का संभोग, दुनिया के नारी का संभोग या नर का संभोग, ये तो पाशविक संभोग है, पशु संभोग है, लेकिन भगवत स्वरूप संभोग की कामना, तो ये इच्छा कैसे पैदा है? आप जिस पर कृपा करते, जिस पर आपका अनुग्रह होता है, उस प्राणी को आपके सम्मिलन की इच्छा होती,
यही वहां हुआ है। देवर्षि नारद की माता जब मर गई, ओ दासी पुत्र नारद, दासी पुत्र नारद पहले तो ब्रह्म पुत्र थे, ब्रह्मा के ही पुत्र, किंतु किसी प्रकार के साप वाप के कारण दासी पुत्र हो गए। तो वहां महात्माओं का संग, महात्मा कहीं चौमासा करते थे राजा के यहाँ, वहीं उनकी माता दासी थी, वहीं देवर्षि नारद रहते थे। तो वो ऋषियों की सेवा हुआ कर रहे थे, तो ऋषियों का अपना सत्संग सुनते थे, भगवान के मंगलमय पादारविंद में प्रीति उत्पन्न हो गई, भगवत कथा सुधा का रसास्वादन खूब करते थे। माता मर गई, मर गई तो बंधन से भी निर्मुक्त हो गए ऋषि लोग। तो अपना चातुर्मास पूरा हो गया, चातुर्मास पूरा होते ही वो चले गए जहां तहां। अब नारद सब छोड़ करके उत्तराखंड की ओर चल पड़े। उत्तराखंड की ओर जाते जाते एक पिपल का पेड़ मिला, उस पिपल के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान का ध्यान करने लग गए। भगवान का ध्यान करने लग गए तो ध्यान करते करते ध्यायत चरणाम भोजम भाव निर्वृत चेतसः आनंदाश्रु कलाक्षस्य हृदयासीन में शनैर हरिः। भगवान के चरण पंकज का ध्यान कर रहे थे, आनंद का उद्रेक हृदय में हो रहा था, आंखों में आनंद के आंसू आ रहे थे, कंठ गदगद हो रहा था, हृदय प्रेमानंद में लोटपोट हो रहा था। और उस समय भगवान के मधुर मनोहर मंगलमय मुखचंद्र का भगवान के का नारद के हृदय में आविर्भाव हो गया। तो भगवान का स्वरूप हृदय में प्रकट हो गया, भगवान का स्वरूप प्रकट हो गया तो बस हृदय में बड़ा हो गया। आनंद संप्लवे लीनो नापत्यम उभयम मुनि, आनंद संप्लव में, आनंद समुद्र में मेरा मन लीन हो गया। अंतर जगत बाह्य जगत सब जगत में भूल गया, क्षण भर के भगवान के दिव्य मुखचंद्र के आविर्भाव से ऐसा लोकोत्तर आनंद प्रकट हुआ। लेकिन वो स्वरूप थोड़े क्षण में हृदय से लुप्त हो गया, लुप्त हो गया तो बड़े व्याकुल हो, जैसे फणी का मणि लुप्त हो जाए। फणिधर मणिधर नाग, मणिधर नाग की मणि जैसी छिन जाए तो जैसे वो व्याकुल हो रहा है, तैसे नारद जी व्याकुल हो उठे। फिर प्राणायाम करते हैं, फिर समाधि लगाते हैं, फिर आसन बांधते हैं, पर वो रूप जो चमत्कार प्रकट हुआ नहीं प्रकट। बड़े रोने लगे, छिन्न होने लगे, व्याकुल होने लगे। तब आकाशवाणी हुई, भगवान ने आकाशवाणी द्वारा कहा, हंतास्मिन जन्मनि भवान नमान दृष्टि निहार अभी पक्को कसाया नाम दुर्दर्शो हम कुजोगिनाम। नारद इस जन्म में तुमको हमारा दर्शन नहीं हो सकता, हंतास्मिन जन्मनि भवान नमान दृष्टि निहार, इस जन्म में मेरा दर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि अभी पक्को कसाया नाम, कसाय दोष पूर्ण रूप में जब तक नष्ट नहीं हो, जब तक दोष पूर्ण रूप में नष्ट नहीं हो रहे तब तक मेरा दर्शन दुर्लभ। तो प्रभु फिर क्यों दिखा दिया एक बार स्वरूप? तो कहा सकृद दर्शितम रूपम एतत् कामाय तेन, एक बार जो तुम्हें अपना स्वरूप माधुर्य दिखाया, एक बार जो तुम्हें अपना स्वरूप माधुर्य की अनुभूति कराया, वो तो इसलिए कि इसमें तुम्हारी उत्कट कामना हो जाए, इसमें उत्कट कामना उत्पन्न करने के लिए, जैसे मछली को पकड़ने के लिए जरा कटिया में लोहे की कांटी में जरा सा पिशित लगा देते हैं, पिशित मांस, उससे वो आकर्षित हो जाता। कैसे ये स्वरूप सौंदर्य सुधा का समास्वादन एक बार करा दिया, एक बार करा देने के कारण अब उधर मन लोटपोट हो गया, अब जीवन भर में दूसरी चीज कुछ नहीं सूझेगी, अब जन्म जन्मांतरों जुग जुगांतरों कल्प कल्पांतरों तक उसी के उत्कट कामना बनी रहेगी, उसी की वासना बनी रहेगी, और उसी की प्राप्ति के लिए जीवन अर्पण करके भी घोर घोर तपस्या करने में लग जाएगी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय तिथेधिकम जन्मना व्रजस्त्रैतेन्द्रा शस्वदत्रिहि दैतदृश्यतां दीक्षितावकास्त्वैधृता सवस्त्वां विचिन्वते शरदुदाशये साधुजातसत्सरसजोदरश्रीमुषादृशा
सुरत नाथ ते सुलकदा शिका बरद निघ्न तो हिकिम्बदा। तो वही सुरत नाथ की व्याख्या चल रही थी। तो आप ही सूरत के प्रेरक, सूरत के जाचक, ऐश्वर्य की दृष्टि से सूरत के प्रेरक दाता। जितना भर भी संसार का संभोग है उस सब के दाता अधिपति सूरतनाथ, और माधुर्य दृष्टि से सूरत के जाचक। जैसे बतलाया नवनीत के जाचक हैं, दधि के जाचक हैं, दधि चौर्ज भी करने वाले, नवनीत चौर्ज भी करने वाले, इसी दृष्टि से सूरत जाचक भी पद संगत है। तो दोनों द्वारा, सूरत जांचा द्वारा और सूरत की उत्प्रेरणा द्वारा, आप ही ने हमारे हृदय में स्वस्वरूप संभोग की कामना उत्पन्न की। विषय संभोग की कामना तो प्राणियों को अपने आप भी हुआ करती, कोई पढ़ाता नहीं। विषय संभोग की कामना करो, कोई पढ़ाता नहीं, कहीं स्कूल कॉलेज नहीं, विषय संभोग सिखाने के लिए, विषय संभोग की इच्छा पैदा करने के लिए किसी उपदेश की आवश्यकता नहीं। बिना उपदेश, जन्म जन्मांतरों के संस्कारों के बसात प्राणी को तत्त्व विषय संभोग की कामना होती है। लेकिन भगवत संभोग की कामना, भगवान के मंगलमय मुख चंद्र के सौंदर्य माधुर्य संभोग की कामना, भगवान के पादार बिंद सौगंध अमृत संभोग की कामना, भगवान के मंगलमय मुख चंद्र के सुमधुर अधर सुधारस के संभोग की कामना, ये स्वतः नहीं प्राप्त होती प्राणी को। ये तो भगवान की ही प्रेरणा होती है, भगवान का ही अनुग्रह होता है, तब प्राणी के मन में भगवत संभोग की कामना उत्पन्न होती है। जैसा कि कल प्रसंग कह रहे थे, नारद जी को भगवान ने ही अनुग्रह करके, भगवान ने क्षण भर के लिए स्वस्वरूप दर्शन दिया। उत्तराखंड में पिपल वृक्ष के नीचे ध्यान में नारद जी बैठे, और ध्यान करते करते उनके हृदय में भगवान का तेजोमय प्रकाशमय दिव्य अनंत सौंदर्य माधुर्य परिपूर्ण रूप प्रकट हुआ। उस सौंदर्य माधुर्य परिपूर्ण रूप में उनका मन एकदम लोटपोट हो गया, और फिर वो स्वरूप क्षण भर में अंतर्धान हो गया। फिर उसके लिए अत्यंत व्याकुल हुए, तो फिर यही आकाशवाणी हुई, हंतास्मिन जन्मनि भवान नमा नृत्यमिहार अविपक्व कषायाणाम दुर्दर्शोहम कुजोगिनाम। कुजोगियों को हमारा दर्शन नहीं होता जब तक कषाय दोष नष्ट नहीं हो जाते। दोष जब तक प्राणियों के नष्ट नहीं हो जाते तब तक हमारा दर्शन नहीं होता। तो प्रभु फिर एक बार क्यों दर्शन दे दिया? कहा सकृत जब दर्शितम रूपम एतत् कामायते न। एक बार जो तुमको स्वरूप दर्शन दिया, श्री अंग की सुंदरता मधुरता सरसता की अनुभूति कराई, ये इसलिए कि इसमें तुम्हारी उत्कट कामना हो जाए। इस संबंध में उत्कट कामना उत्पन्न करने के लिए ये सकृत दर्शितम रूपम, इसलिए वास्तविक रूप से भगवत स्वरूप दर्शन, भगवत स्वरूप सौंदर्य माधुर्य सौरस संभोग, ये तभी प्राप्त होगा जब सब प्रकार के कषाय दोष दूर हो जाएंगे तब। इसीलिए तभी अधिकाधिक काल पर्यंत प्राणी का जीवन बीत सकता है, भगवत संभोग सुख की आशा से, भगवत सम्मिलन सुख की आशा से। नहीं तो भगवत विप्रयोग जन तीव्र ताप में संतप्त होकर भगवत संबंधी प्राणी जीवित रह नहीं सकता।
को हेवान्यात का परायण्यात जदेश आकाश आनंदो न स्यात। कौन प्राण धारण करता, कौन जीवन धारण करता, यदि ये परमानंद स्वरूप भगवान भक्त के हृदय में किसी न किसी रूप में किसी न किसी क्षण में अभिव्यक्त ना हो। इसलिए किसी क्षण में किसी रूप में उनकी अभिव्यक्ति होने से ही प्राणी का जीवन धारण चलता है।